पहुंचे। उपचुनाव के बाद पहली बार बागली पहुंचे ज्ञानेश्वर पाटिल का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्ञानेश्वर पाटिल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मैं सेवक बनकर बागली विधानसभा की सेवा करूंगा। अगले 100 दिन हर गांव के कार्यकर्ताओं से मिलकर आभार व्यक्त करूंगा। वहीं सांसद पाटिल ने नर्मदा सिंचाई योजना को लेकर कहा कि यह मुद्दा सीएम के साथ बैठक में प्राथमिकता पर रहेगा। सांसद ने इस दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मेरा प्रयास का नारा भी दिया। इस बात का विश्वास आप मार्गदर्शक आप हो मेरे, मैं तो एक सेवक के रूप में काम करूंगा जैसा आप लोग मार्गदर्शन देंगे। देखिए, जो नर्मदा सिंचाई परियोजना वाला विषय है वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है और वो बहुत जल्द ही अमल में भी आएगी और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर खेत तक पानी पहुँचे, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2003 के पहले का आप परिदृश्य देख लीजिए, 2003 के पहले मात्र पूरे प्रदेश के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है। ये सीधा सीधा काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसका फायदा यदि किसी को हुआ तो किसानों को।